सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है ये हमारी AMCA वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसका पार्ट 1 देखिए और फिर जाकर इसके पार्ट 2 को देखिए, तब जाके आपको इस AMCA प्रोग्राम के बारे में और भी डिटेल में समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने AMCA प्रोग्राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की है, जैसे कि हमें इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है, इसका डेवलपमेंट अभी तक कितना हो चुका है, इसके एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस क्या रहने वाली हैं, कितने यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट होंगी, इसका डिजाइन कैसा रहेगा और इसके क्या खास स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, इन सभी चीजों को हमने इसके पार्ट 1 में कवर किया है। और बाकी इस वीडियो के पार्ट 2 में हम AMCA फाइटर के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ इस प्रोग्राम से जुड़े कुछ आम सवालों के हम आपको जवाब भी देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड में आप AMCA फाइटर के जो कमाल के 3D रेंडर्स देखेंगे उनका क्रेडिट उनके ओरिजिनल क्रिएटर्स को जाता है और उन सभी के लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो उनके बारे में और जान सकते हैं। और बाकी अब आते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो जहां तक बात है AMCA फाइटर के एडवांस फीचर्स की, तो पहले पार्ट में हमने आपको क्लियर किया था कि AMCA को दो फेजेस में बनाया जा रहा है। पहले फेज में बनाया जाएगा AMCA MK1 जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर होगा और दूसरा होगा AMCA MK2 जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर होगा और इसमें 6th जनरेशन फाइटर्स की कैपेबिलिटीज भी शामिल रहेंगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ये पूरा AMCA प्रोग्राम है इस पर उस पॉसिबल टाइमलाइन को भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है कि जब तक कि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से डेवलप होगा तब तक दुनिया में 6th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटीज भी विकसित हो चुकी होंगी। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में ये ध्यान दिया गया है कि जब हमें 6th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटीज की जरूरत पड़े तब हमारे पास एक ऐसा फाइटर रहे जो इस तरह की कैपेबिलिटीज रखता हो। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं AMCA के एडवांस फीचर्स के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के बारे में। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ये किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर की सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है और हमारा जो स्वदेशी AMCA फाइटर है इसमें ज्योमेट्रिक और मटेरियल कंपोनेंट दोनों ही तरीके से स्टेल्थ कैपेबिलिटी दी गई है। अगर बात करें ज्योमेट्रिक स्टेल्थ कैपेबिलिटी की तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी बनाने के लिए उसके डिजाइन पर काम किया जाता है और एयरक्राफ्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम से कम रखा जाता है। और अगर बात करें AMCA की तो इसका जो डिजाइन है वो है डायमंड शेप ट्रेपेजोइडल विंग्स वाला और ये डिजाइन इसे स्टेल्थ बनाने में मदद करता है और इसके साथ जो फ्रंटल फ्यूजलाज है वो भी इसके स्टेल्थी डिजाइन का ही हिस्सा है। वहीं अगर बात करें मटेरियल कंपोनेंट्स वाली स्टेल्थ कैपेबिलिटी की तो इसका मतलब यह है कि एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए ऐसे खास तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जो या तो रडार वेव्स के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे या फिर वो उन वेव्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर उस मटेरियल पर रडार के वेव्स टकराएं तो वो टकरा के वापस ना जाएं और इसके लिए एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरह की कोटिंग पेंट्स और कुछ ऐसे ही स्टेल्दी मटेरियल का इस्तेमाल होता है और जो AMCA फाइटर है उसमें कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्दी कोटिंग्स दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा AMCA में सर्पेंटिन एयर इनटेक्स दिए गए हैं और ये इनटेक्स फ्रंटल साइड यानी कि सामने की तरफ से इंजन की फैन ब्लेड के एक्सपोजर को कम करते हैं और साथ ही ये रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी कम करता है ताकि एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अगर आपने AMCA का डिजाइन देखा होगा तो उसमें आपने ये बात नोट की होगी कि उसमें कोई भी कैनार्ड्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि जो कैनार्ड्स होते हैं वो मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट की मैन्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि AMCA फाइटर में जो मैन्यूरेबिलिटी वाला फीचर है ये सबसे मेन फीचर में काउंट नहीं होता है। तो इसीलिए AMCA में कैनार्ड्स नहीं दिए गए हैं ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखा जा सके। हालांकि आपको ये बात समझनी होगी कि भले ही ये कहा जाता है कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर है वो स्टेल्थ होता है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी ऐसी है कि AMCA को बिल्कुल मिस्टर इंडिया बना दे यानी कि वो रडार के सामने बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी के चलते जो ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर है वो रडार के सामने बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाता होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है बल्कि असल में जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी होती है इसके चलते ही किसी फोर्थ जनरेशन वाले फाइटर्स के कंपैरिजन में जो एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर होता है उसे रडार्स आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं लेकिन जो बेहद ही पावरफुल और एडवांस रडार्स होती हैं वो फाइटर को कैच कर सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें AMCA के दूसरे एडवांस फीचर की तो वो है सुपर क्रूज और ये भी किसी फिफ्थ जनरेशन फाइटर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण फीचर माना जाता है।
और इस फीचर के चलते ही फाइटर एयरक्राफ्ट बिना अपने आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए वेपन पेलोड के साथ एक सस्टेन्ड सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। और जिन फाइटर्स में ये फीचर नहीं होता है वे अपनी सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ तो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और उसके लिए भी उनको आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये आफ्टर बर्नर्स होते क्या है इस पर हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई है और उस वीडियो को बस आपका ही इंतजार है। इस वीडियो के बाद आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और इसके बारे में और समझ सकते हैं। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार को हासिल करने के लिए अपने आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उस प्रोसेस में जो फ्यूल होता है वो और ज्यादा कंज्यूम होता है। और इसलिए अगर किसी फाइटर में सुपर क्रूज वाला फीचर है यानी कि वो बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए ही एक सस्टेन सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर सकता है तो जाहिर सी बात है इससे एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। और पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि AMCA की जो सुपर क्रूज स्पीड है वो है Mach 1.82 और किलोमीटर में हो गया 2247 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये वो रफ्तार है जिसे AMCA बिना अपने आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए ही अचीव कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें AMCA के तीसरे स्पेशल फीचर की तो वो है स्विंग रोल कैपेबिलिटी। आज के समय के जो अधिकतर फाइटर्स होते हैं वो मल्टी रोल फाइटर्स होते हैं जिसका मतलब यह है कि वे अलग अलग तरह के रोल्स को परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि एयर टू ग्राउंड या फिर एयर टू एयर कॉम्बैट और ऐसी अन्य सभी। लेकिन आमतौर पर किसी सिंगल मिशन में ये जो फाइटर्स होते हैं वे केवल एक ही तरह के प्री डिटरमाइंड रोल को निभाते हैं और वो भी अपने ऑन बोर्ड वेपन पैकेज के साथ। कहने का मतलब यह है कि किसी सिंगल मिशन में वे केवल उसी रोल को परफॉर्म कर सकते हैं जो पहले से निर्धारित किए गए हैं, यानी कि वो बीच मिशन में अपने रोल को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है AMCA की तो AMCA के पास है स्विंग रोल कैपेबिलिटी, यानी कि ये फाइटर एक सिंगल मिशन में भी अपने रोल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकता है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि स्विंग रोल में एक बेहतरीन वेपन पैकेज के साथ जो ये स्टेल्दी AMCA फाइटर है ये एक डेडली फाइटर साबित होगा। इसके बाद अगर बात करें चौथे एडवांस फीचर की तो वो होगा फ्लाई बाय ऑप्टिक्स। आज के समय के जो अधिकतर फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब यह है कि जहां पहले फाइटर्स में मैनुअल कंट्रोल्स होते थे तो वहीं उन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है और उन्हें ही कहा जाता है फ्लाई बाय वायर सिस्टम। लेकिन जो ये फ्लाई बाय ऑप्टिक्स है ये इसका भी एक एडवांस वर्जन है जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम के अपोजिट वायर के बजाय किसी ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका फायदा यह है कि इसे सिस्टम और भी तेज काम करेगा क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती है उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और वो डेटा को बहुत स्पीड के साथ ट्रांसफर कर सकती है। बाकी इसके बाद अगर बात करें पांचवे एडवांस फीचर की तो वो है ऑप्शनली मैन्ड फीचर। जी हाँ, AMCA में एक ऐसा फीचर भी हो सकता है जिसमें आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि इसे एक मैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह ऑपरेट करना है या किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह। और इस फीचर के साथ इस एयरक्राफ्ट को बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकता है बिल्कुल किसी UAV की तरह। लेकिन जहां तक है ये फीचर हमको AMCA Mk2 में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें छठे मेन एडवांस फीचर की तो वो है इस एयरक्राफ्ट के वेपन पैकेज में इस्तेमाल होने वाले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्योंकि एक तरीके से एयर वॉरफेयर का भविष्य है और इसमें इंक्लूड होंगे लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो कि लेजर के इस्तेमाल करके टारगेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। और ये तो आप जानते ही होंगे कि वर्तमान समय में जो मिसाइल्स इस्तेमाल होती हैं वे सभी किसी न किसी लिमिट के साथ आते हैं, पर जो इस तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं इनमें इस तरह की कोई भी लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये काम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर और ये एनर्जी आती है एयरक्राफ्ट के इंजन से। और AMCA के वेपन पैकेज में भी हमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें सातवें एडवांस फीचर की तो वो होने वाला है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम और शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं कैट्स। और आपको ध्यान होगा कि इस साल एरो इंडिया शो के दौरान भी HAL ने अपने कैट्स प्रोग्राम के बारे में खुलासा किया था, यानी कि HAL उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मदरशिप की तरह रहेगा और उसके थ्रू कई अलग अलग UCAVs और स्वार्म ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाएगा। और इसलिए जो AMCA फाइटर है वो भी इस तरह के सिस्टम को सपोर्ट करेगा और इस तरीके से एक सिंगल फाइटर जेट UCAVs और स्वार्म ड्रोन्स का डेडली फॉर्मेशन बना सकता है। खैर, ये हो गए AMCA के कुछ एडवांस फीचर्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही हैं जो हमको इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और उम्मीद है आप सभी ने लाइक कर दिया होगा और अगर लाइक कर दिया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं इस AMCA प्रोग्राम में आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में। तो सबसे पहली चुनौती जो हमारे सामने आने वाली है वो होगी AMCA की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को अचीव करना। हालांकि AMCA Mk1 की जो टाइमलाइन है वो तो क्लियर है लेकिन जो AMCA Mk2 है उसको लेकर फिलहाल अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ये पूरे तरीके से विकसित होकर हमारे सामने कब आएगा। हालांकि जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तो इनकी कोर टेक्नोलॉजीज पर काम स्टार्ट हो चुका है। AMCA की कई एडवांस टेक्नोलॉजीज विकसित हो रही हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के समय तक ये टेक्नोलॉजीज पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। और वहीं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन्स की घटती हुई स्ट्रेंथ भी एक दूसरा चिंता का विषय ऑलरेडी बना हुआ है।
और बाकी पास्ट में एलसी तेजस प्रोग्राम में हमने जो एक बहुत बड़ा डिले देखा है, तो ये वाला एक्सपीरियंस एएमसीए प्रोग्राम के क्रिटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी बड़ी चुनौती की, तो वो होगी एक अच्छी सिचुएशन अवेयरनेस को सुनिश्चित करना, जिसका मतलब यह है कि एएमसीए को एडवांस सेंसर्स और एक गुड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम के साथ एक मजबूत रडार की जरूरत पड़ेगी। और एएमसीए के लिए उत्तम एएस रडार के जिस वेरिएंट को प्रस्तावित किया गया है, उसे 2024 तक विकसित किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की भी जरूरत है और F-35 जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच सिस्टम की भी, जिसमें एयरक्राफ्ट की बॉडी पर 6 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के पायलट को अंदर बैठे ही एयरक्राफ्ट के 360 डिग्री का कवरेज देते हैं, यानी कि उसको अंदर से मालूम पड़ता है कि उसके एयरक्राफ्ट के चारों तरफ क्या चल रहा है। और इसलिए अगर आपको एएमसी की सिचुएशन अवेयरनेस को अच्छा करना है, तो इस तरह के सिस्टम्स इसमें होने चाहिए। और बाकी एक फास्टर डेटा प्रोसेस के लिए डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स तो भविष्य की मांग है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चुनौती आ सकती है, वो होगी डेटा लिंक को डेवलप करने में। ये बात तो स्पष्ट है कि नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर भविष्य है, और जितने ज्यादा एडवांस सिस्टम्स होंगे, उनके साथ इस बात की भी जरूरत रहेगी कि एक लंबी डिस्टेंस पर भी कम से कम समय में अधिक से अधिक डेटा प्रोसेस किया जा सके। और इस चीज को हासिल करने के लिए एक अच्छे डेटा लिंक की जरूरत है, जो कि एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को या ग्राउंड स्टेशन, यूएवी, शिप्स, इन सभी को कनेक्ट कर सके। और अभी वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कोई भी डेटा लिंक नहीं है जो उनके सभी फाइटर्स को आपस में कनेक्ट करे। हालांकि इसके एक जुगाड़ पर काम तो किया जा रहा है, और जो इसराइल का बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, वो इंडियन एयरफोर्स के अधिकतर फाइटर्स में इंटीग्रेट किया जाना है। लेकिन आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में रशियन, फ्रेंच, इंडियन ओरिजिन, तीन अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट हैं। बाकी अगर बात करें चौथी बड़ी चुनौती की, तो वो होगी एएमसीए के इंजन को विकसित करने में। क्योंकि देखा जाए तो एएमसीए के लिए स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने का जो कार्य है, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और भारत का जो स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम है, उसने अभी उस डिजायर्ड सक्सेस को हासिल नहीं किया है, जहां पे जाके हम कह सकें कि इसका इंजन एएमसीए में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। क्योंकि एएमसीए का जो इंजन होगा, उसमें कम से कम 110 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसलिए जहां तक है, भारत अपने स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने के लिए किसी फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा, और वो कंपनी यूके की रोल्स रॉयस ही हो सकती है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी इंजन विकसित किया जाए, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए कि वो एयरक्राफ्ट की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को पूरा कर सके। और जो एनर्जी की डिमांड होती है, ये खास करके तब बढ़ती है जब आपके एयरक्राफ्ट में बेहद ही पावरफुल रडार इस्तेमाल हो रही है, उसके जो एवियोनिक्स हैं वो एडवांस हैं, और बाकी अगर आप डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे खासे एनर्जी की जरूरत है। और इसलिए एएमसी के लिए इस तरह का एक पावरफुल इंजन विकसित करना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो ये होगी एएमसी प्रोग्राम में आने वाली कुछ संभावित चुनौतियां। बाकी इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल है कि जब तक भारत का जो ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर है वो तैयार होगा, तब तक पूरी दुनिया सिक्स जनरेशन या फिर उससे भी एडवांस सेवन्थ जनरेशन भी इस्तेमाल कर रही हो। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि तब तक फिफ्थ जनरेशन वाली फाइटर टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाएगी। पर जैसा कि हमने आपको कहा कि एएमसीए में केवल फिफ्थ जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसका जो फेज टू है, यानी कि एएमसीए मार्क टू, उसमें सिक्स जनरेशन की कैपेबिलिटीज भी ऐड की जानी है। और संभावित रूप से ये फैसला इसलिए लिया गया होगा ताकि जब ये तैयार हो, तब ये उस समय के मौजूदा फाइटर्स की टेक्नोलॉजीज की तुलना में ज्यादा पीछे ना हो। इसके अलावा एक सवाल रहता है कि क्या एएमसीए फाइटर न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करेगा। तो हाँ, हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इसके पॉसिबल वेपन पैकेज में ब्रह्मोस एनजीबी रहने वाली है, और जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो हाँ, इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30M की आई और रफाल फाइटर्स की तरह ही एएमसीए भी न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तो अगर इसके ओवरऑल कंक्लूजन पर जाया जाए, तो इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि एएमसीए भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक तरीके से क्रांति लाने वाला है। और अगर ये प्रोग्राम अपनी एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस को अचीव करते हुए इससे जो जो उम्मीदें लगाई गई हैं उन सभी को पूरा करता है, तो ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और US, रशिया और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बनेगा जिसके पास एक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर को विकसित करने की कैपेबिलिटी होगी। और इतना ही नहीं, बल्कि विकसित होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को काफी हद तक बढ़ाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होने वाली हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहद ही घातक फाइटर भी बनेगा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो एएमसीए प्रोग्राम है, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चैलेंजेस का हम सामना नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे पास हर एक वो कैपेबिलिटी है जो इन चैलेंजेस का सामना कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि HAL, DRDO, ADA और वो सभी इंडस्ट्रीज जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, वे सभी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। और बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह आप सभी के लिए ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।